हेलो फ्रेंड्स, मैं हरपिंदर कौर, तुसी देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। आज मैं तुहाडे नाल 19 मार्च नूं जो एग्जाम होया उसका रिव्यू शेयर करन जा रही हूँ। एग्जाम किस तरह का आया सी, ईजी सी या टफ सी। सो आपां स्टार्ट करते हैं। मैं थोनों इस वीडियो दे विच लिसनिंग दे आंसर शेयर करूँगी, रीडिंग दे आंसर शेयर करूँगी, प्लस राइटिंग टास्क वन की आया सी एंड टास्क टू की पूरी एलाबोरेशन दसी जाऊगी। सो आपां स्टार्ट करते हैं। हुण लिसनिंग किदां दी रही अज दे एग्जाम दे विच। जो लिसनिंग आई है जी, वह बहुत ज़्यादा ईजी सी, कोई भी उहदे विच आपां कह दईए कि मॉडरेट लैवल नहीं आया। एंड सेम ही रीडिंग दे विच, जो रीडिंग आई है वह भी बहुत ज़्यादा ईजी रहा है। तीनों पैसेजिस जिहड़े रीडिंग दे सी ईजी सी, मॉडरेट लैवल नहीं सी। मतलब जे आपां गल करिए लिसनिंग एंड रीडिंग का, जो अज का एग्जाम आया से वो बहुत ज़्यादा ईजी सी। और राइटिंग दे विच टास्क वन जो आया है बारग्राफ, एंड टास्क टू की जो स्टेटमेंट आई है जी, वो सी डिस्कस बोथ व्यूज से, जो मैं थोड़े नाल शेयर कर जा रही हाँ। सो स्टेटमेंट की है, सम पीपल थिंक दैट द बेस्ट वे टू रिड्यूस द टाइम स्पेंट इन ट्रैवलिंग टू वर्क इज टू रिप्लेस पार्क्स एंड गार्डन्स क्लोज टू द सिटी सेंटर विद अपार्टमेंट बिल्डिंग्स फॉर कम्यूटर्स। सो कुछ लोगों का सोचना है कि जे कहिंदे भी जिहड़ा टाइम लगता है उन्होंने वर्क ते जाण नूं, उन्हूं रिड्यूस करन दे लई कहिंदे की करना चाहिए, जिहड़े पब्लिक गार्डनस ने, ठीक है, पब्लिक पार्क्स ने, उन्होंने की कर देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए है। उन्होंने की करना चाहिए, क्लोज टू द सिटी सेंटर विद अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, मतलब कि वो जी प्लेसिस ने, गार्डनस वगैरह ने, उन्होंने की करना चाहिए, लाइक बिल्डिंग्स के कन्वर्ट कर देना चाहिए, ताकि लोगों को वर्क पर जाने घट टाइम लगे। ये कुछ लोगों का लाइक थिंकिंग है। बट अदरस डिसएग्री, बट दूजे लोग कहते इस नाल बिल्कुल ही डिसएग्री ने। उन्हों का कहना भी ये पार्क्स से जड़िया गार्डनस ने, ग्रीनरी है, मतलब कि उन्होंने बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करना चाहिए। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपीनियन। सो आप दोनों व्यू डिस्कस करने हैं तो अपना ओपीनियन देना। सो जे आप हुण गल करिए अपना व्यू किस साइड जाऊगा, सो आप ये नहीं कहेंगे कि जिहड़े गार्डनस ने उन्होंने रिप्लेस कर दो, क्योंकि जिहड़े गार्डनस ने वह भी बहुत ज़्यादा जरूरी ने। जिवें हुण पर्सन कोई भी है वर्क कर रहा, तो उन्होंने रिलैक्स करन दे लई प्रॉपर एटमोसफियर ग्रीनरी तो ही मिलते हैं। सो आप इहदे विच अपना व्यू दूसरी साइड जावांगे कि असं इस नाल की हो रहा, डिसएग्री हो रहा कि गार्डनस नूं रिप्लेस नहीं करना चाहिए। सब तो पहला आप इंट्रोडक्शन, ठीक है, दैन उस दे विच फर्स्ट व्यू, फिर सैकेंड व्यू, दैन अपना ओपीनियन देवांगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन तो। कहिंदे पीपल हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट वैदर ग्रीन स्पेसिस, मतलब कि पार्क्स should be removed to make way for office buildings in order to decrease commuting time. So kuch lokan nu lagda hai kehne ki vi weather karne chahide aa vi taan ke unna da jehda time lagda oh ghat jave, commuting time hunda traveling time. So apa kuch vi nahi kita, kuch vi extra information nahi pauni. Apan ne 2 da point gal kiti aa, agar tusi 7 plus score lena chahunde ho ta kuch vi extra apne task de vich include na karo, te us to baad apa just apna view damange. Kehnde personally I completely disagree with this measure because of the far-reaching consequences that it may cause. क्योंकि इस नाल बहुत नैगेटिव इफेक्ट होंगे, सो इस करके मैं डिसएग्री कर रही हाँ। सो ये फस्ट व्यू आप कहेंगे जोड़ा फस्ट बीपी बनेगा वो किदा स्टार्ट करेंगे, कहते सम पीपल आर्ग्यू दैट वी शुड रिप्लेस पार्क्स विद ट्रीज विद अपार्टमेंट ब्लॉक्स बिकॉज दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट एंड हैल्प सेविंग टाइम। सो कुछ लोगों को लगता कि रिप्लेस कर देना चाहिए, इन्हां नाल टाइम सेव होगा तो बहुत कन्वीनियंट ईजी हो जूगा वर्क पर जाना लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अपार्टमेंट बिल्डिंग कैन बी प्लेस नियर पीपल्स वर्क प्लेस इंस्टैड ऑफ पार्क्स और गार्डनस, पीपल वुड नॉट हैव टू कॉन्फ्रेंट ट्रैफिक कंजेशन और बी लेट टू वर्क। तो कहते उन्होंने कोई ट्रैफिक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पेगी जो उन्होंने मतलब कि नेड़े ही होगी रहने वाली जगह। सो ये कुछ लोगों की सोचनी है, मतलब कि कुछ लोग ये सोचते हैं। इफ दीज इशूज, मैं हमेशा ही कहनी हाँ अपने टास्क टू दे विच, देखो स्ट्रक्चर्स यूज कराया करो, इफ दे नाल सेंटेंस बनाओ तो तुसी बहुत वधिया स्कोर कर सकते हो। क्लास दे विच जो साड़ी ऑनलाइन क्लास होंदी उहदे विच सारे स्ट्रक्चर दसे जांदे आ, तुसी किद्दां सेंटेंस बनाने आ, किद्दां तुसी अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। सो हुण मैं इफ दे नाल सिचुएशन क्रिएट कीती आ, इफ दीज इशूज विच कम्यूटर्स हैव टू डील विद ऑन अ डेली बेसिस कैन बी टैकल्ड, सो ये सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे। सो पीपल वुड कॉन्सनट्रेट मोर ऑन देयर वर्क
एंड दैट मे बूस्ट देयर प्रोडक्टिविटी। तो इस तरह कहिंदे उह अपने काम ते ज़्यादा कॉन्सनट्रेट कर पाउणगे ते उहनां दी प्रोडक्टिविटी मतलब काम करन दी जिहड़ी योग्यता क्षमता हुंदी उह ज़्यादा होजूगी, आउटपुट ज़्यादा होजूगी। इस एक साइड का व्यू। हुण जिस साइड आपां अपना ओपीनियन देना दैन हुण आपां पैराग्राफ स्टार्ट करांगे। हाउएवर मतलब कि ऑन द अदर साइड I believe that this can have some detrimental impacts on both the environment and public health. So, मेरा मनना है कि इहदे नाल environment दे उत्ते ते public health दे उत्ते बहुत ज़्यादा negative impact पैणगे। So, उहनूं आपां elaborate करांगे। First, if green spaces disappear, जे कहिंदे इदां दीआं places ने जिहड़ियां disappear हो जाणगीआं, there would be a higher rate of global warming. Global warming हो जू, temperature rise हो जूगा। In other words, trees being cut down means they would not be able to give off oxygen and take in carbon dioxide that improve air quality. So, in all, oxygen the level cut juga, carbon dioxide jada ho ju and curve global warming. So, jis de naal kehnde jime oxygen hai jehda control ch rakhda hai, then ede naal negative apa kehde environment issues ho jange. Another downside of this measure would be severe issues. जिमें कि कहिंदे रिलेटिंग टू पीपल्स हैल्थ, लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। इन पर्टिकुलर इफ द वास्ट नंबर ऑफ ट्रीज आर क्लीयर टू कंस्ट्रक्ट ऑफिस बिल्डिंग्स, पीपल कैन सफर फ्रॉम न्यूमरस रेस्पीरेटरी डिसीजेस, साह लैण दे विच भी प्रॉब्लम आऊगी एंड हैव ब्रीदिंग डिफिकल्टीज ड्यू टू द फैक्ट दैट देर आर नो मोर ट्रीज टू फ्रैशन द एयर। क्योंकि ट्रीज तो होणगे नहीं जो एयर नू फ्रैश रखणगे। इत्थे तक तुसी इनफ है, बट अगर तुसी इहदे विचों एक पॉइंट स्किप करदे हो जो मैं उपर पॉइंट दस्या, तां उहदी जगह ते तुसी जिहड़ा हुण मैं पॉइंट इलैबोरेट करन जा रही हां, तुसी ए वाला पॉइंट लिख सकदे हो। बिसाइड्स कहिंदे इस तों इलावा मॉडर्न पीपल आर ऑफन स्ट्रैसफुल, जिहड़े अजकल लोकां दी जिंदगी आ बहुत ज़्यादा स्ट्रैसफुल है एंड फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू द आर्डुअस वर्क। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ने, उन्होंने बहुत डिफिकल्ट आर्डुअस होंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइट स्कैड्यूल कह दिए जिमें वर्क तो, एंड नीड टू रिफ्रैश themselves after work. तो उन्होंने जरूरत होंगी अपने आप को रिफ्रैश रखने की। सो इफ देयर आर गार्डनस नियर सिटी सेंटर्स, सो दे आर एबल टू रिलैक्स, की होगा कहिंदे वो रिलैक्स फील करेंगे एंड रिड्यूस प्रेशर आफ्टर लोंग वर्क, तो वह फ्रैशनैस मतलब कि रिज्यूविनेट हो जाएंगे। सो ये पॉइंट तुसी ऐड कर सकदे हो। इस दा कंकलूजन की देवांगे, इन कंकलूजन ऑल दो Replacing green spaces with residential buildings can save time and address some issues when commuting. So, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸੇਵ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਟੇਕ ਦਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਐਲਸ ਦੇਅਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਵੀਅਰ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਗੇ। ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਟੋਪਿਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ 7 ਪਲੱਸ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜੋ ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂਪ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਟਾਸਕ 1 ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ 40 ਦੇ 40 ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।